महागठबंधन में नीतीश जी ने जिनके साथ दोस्ती की है उनका इतिहास अपराधियों को लेकर चलने वाला रहा है। और यहाँ भी जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें जो राजद के उम्मीदवार हैं वो किन लोगों को लेकर घूम रहे हैं, कौन उनके साथ जुलूस में चल रहे हैं, कौन लोग हैं जो तेजस्वी के मंच को साझा कर रहे हैं, जिनसे लोग डरते हैं, जिन पर मकानों पर कब्जा करने का आरोप है, जिनों का आपराधिक इतिहास है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल सुधरने वाली पार्टी नहीं है। जैसे कुत्ते की पूंछ जो है वो कभी सीधी नहीं होती है, कितना भी प्रयास कीजिए। तो वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र और इतिहास है वो अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोगों का इतिहास रहा है। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, बिना अपराधियों के ये शासन में नहीं आ सकते। इसलिए इनकी जो पूरी ताकत है वो अपराधियों को संरक्षण देकर ये अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं, ताकतवर बनने का काम करते हैं। इसलिए नीतीश जी ने जैसे पार्टनर बदला तो बिहार में स्थिति खराब होने लगी, लोग डरने लगे, लोग भयभीत हो गए, लोगों को डर लग रहा कि जंगल राज लौट कर ना जाए। तो राष्ट्रीय जनता दल सुधरने वाले लोग नहीं हैं, वो जहाँ भी शासन में रहेंगे इस प्रकार की घटनाओं के अंदर और वृद्धि होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।